नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। आइए देखते हैं आज की खास खबर। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पूरी हुई नीट की परीक्षा। देश भर में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए होने वाली नीट 2020 की परीक्षा रविवार को शाम 5 बजे सफलतापूर्वक पूरी हुई। 3 घंटे तक हुई इस परीक्षा का 155 शहरों में 3842 केंद्रों पर दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक आयोजन किया गया। इस साल परीक्षा में करीब 15 लाख कैंडिडेट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया था। 2 बार स्थगित होने के बाद यह परीक्षा लगातार विरोध और प्रदर्शन के बीच आखिरकार रविवार को संपन्न हो गई। परीक्षा में शामिल हुए कैंडिडेट्स के मुताबिक बायोलॉजी के क्वेश्चन सरल थे, हालांकि उन्हें तीनों सेक्शन में फिजिक्स पार्ट थोड़ा कठिन लगा। वहीं कुछ स्टूडेंट के मुताबिक पिछले साल की तुलना में इस बार का पेपर ज्यादा ट्रिकी नहीं था। परीक्षा में ज्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड थे। तो वही दूसरी ओर 4 मोटरसाइकिल चोर गिरफ्तार। 3 दोपहिया वाहन जब्त। मोटरसाइकिल चुराने वालों की टोली के 4 आरोपी को शहर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनमें एक नाबालिग आरोपी का समावेश है। शहर में भीड़ वाले शासकीय मेडिकल कॉलेज व मुरली परिसर में बिना हैंडल लॉक वाली मोटरसाइकिल चुराने के बाद उसके क्रमांक मिटाकर उन वाहनों की बिक्री की जा रही थी। दिन ब दिन होने वाली मोटरसाइकिल चोरी की कई घटनाएं शहर थाने में दर्ज है, जिनसे इन चोरों पर शहर पुलिस की विशेष नजर थी। नंगपुरा मुरी स्थित मुहिम शेख, बाबूराव ठाकरे, रुपेश ठाकरे व नाबालिग को हिरासत में लिया गया। आरोपियों की निशानदेही पर मोटरसाइकिल क्रमांक MH35Y2414 व एक बिना क्रमांक की मोटरसाइकिल जब्त की गई। कार्रवाई पुलिस निरीक्षक बबन वहाड़ के मार्गदर्शन में सहायक पुलिस निरीक्षक नितिन सावन, हेड कांस्टेबल राजू मिश्रा, जागेश्वर उइके, तुलसीदार लुटे, सुबोध बिसेन, छगनलाल विठेल आदि ने की है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखें और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर, हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहें MNS न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।